नमस्ते फ्रेंड्स टुडे वी आर टेकिंग अ इन सर्कल हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ इन सर्कल अभी इन सर्कल पढ़ने से पहले हमको एंगल बाय क्या है ये मालूम होना जरूरी है विदाउट नोइंग एंगल बायसेक्टर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन सर्कल सो बेटर फॉर यू टू सी अवर प्रीवियस वीडियो विच आर रिलेटेड विथ अ एंगल बाय सेक्टर नाउ ही ट्रैंगल ए बी सी सच ए दैट एंगल बी इज इक्वल टू हंड्रेड डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फोर एंड एंगल सी इज द फिफ्टी डिग्री कॉन्स्ट्रक्ट अकल अभी हमको क्या करना है इन सर्कल जो है ये निकालना है सो फॉर दैट बी सी एट फर्स्ट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बीसी हाउ मच इट इज दिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर ड्रॉ सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर एट फर्स्ट फिगर बी सी सिक्स पॉइंट फोर डी सी इज अ बी सी सिक्स पॉइंट फोर Now, after that, angle b is equal to hundred degree. So with the help of d, this b says this b is here and C is here. How much we say it is a six point four. So draw this six point four here. write the measurement. angle b is equal to 100 degree this one in 2030 it is a 100 degree this is 100 so draw here 100 degree after that Angle C is the 50 degree. Angle C is 50 degree. Draw here angle C. Angle C is 50 degree. See here. 50 degree.

साइड इन बिटवीन द टू एंगल्स इज गिवन देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रैंगल कंस्ट्रक्शन कैसे निकालेंगे हमको मालूम चाहिए जब दो एंगल दिया है और बीच वाली साइड हमको दी है दिस इज द ट्रैंगल ए बी सी दैट वी आर ड्रॉन नाउ यू चूज द एनी साइड कौन सी भी दो साइड आपको सिलेक्ट करना है और फ्रीच वी आर ड्राइंग अ वन एंगल बायोसेक्टर हम क्या कर रहे हैं अभी एंगल बायोसेक्टर जो है क्या निकालने जा रहे है एंगल बाइफेक्ट कर के लिए हम क्या करते देखेंगे यू चूज एनी वर्टेक्स एंड ड्रॉ दिस टाइप ऑफ एंगल सी हियर दिस वन ये निकाला नाउ यू इंक्रीज अ डिस्टेंस नाउ कीप अ पॉइंट हियर एंड ड्रॉ दिस एंगल एंड आफ्टर दैट चूज दिस एंगल एंड ड्रॉ दिस वन एंगल सो ड्रॉ दिस इट विल बी यू आर एंगल बाय सेक्टर ये क्या रहेगा हमारा एंगल बाय सेक्टर दिस विल बी देंगल बाय सेक्टर ये रहेंगे हमारा एंगल बाय सेक्टर नो यू चूज अनादर एंगल बाय सेक्टर अनादर वर्टिक्स निकल देखेंगे आप कौन सा भी ले सकते हैं आप वी आर टेकिंग दिस This one. ये हमने लिया है नाउ इंक्रीज द डिस्टेंस एंड ड्रॉ आर इन दिस वे ऐसा पहले हमने लगाया था दिसवन आर्क एंडवन आर्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन दिस नाउ इट शुड बी देंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आ गया हमारा दिस वन सो दिस इज अवर इन सेंटर ये क्या रहेगा हमारा इन सेंटर रहेगा यहां से ही हमको अभी नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बायोसेक्टर यहां से हम क्या निकालेंगे अभी क्टर निकालेंगे या 90 डिग्री एंगल निकालेंगे दिस इज द पॉइंट ये जो है हमारा दिस वन 90 डिग्री आना चाहिए हमारा एंगल देखेंगे अभी ये और यू कैन आल्सो ड्रॉ विद स्क्वेयर ऑल्सो सेठ स्क्र से भी आप निकाल सकते हैं इन दिस वे वेयर इन दिस वे दिस इज द पॉइंट ये वाला ये रहेंगे हमारा परपेंडिकुलर दिस बी और परी डिग्री दिसंटी डिग्री टेक दिस वर्टेक्स एंड चूज दि डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है हम चूज करेंगे अभी ये वाला डिस्टेंस देखेंगे अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने निकाला था फिर वी आर टेकन दिस डिस्टेंस तो यहाँ से हमको इतना डिस्टेंस लेके हमको क्या करना है एक सर्कल निकालना है दिस इज आवर इन सर्कल ये देखेंगे अभी

तो हम निकालेंगे यहां एक्स वाई इट इज दिक्स पॉइंट सेवन और वाई जेड इट इज द फाइव पॉइंट एट हम निकालेंगे फाइव पॉइंट एट दिस वन सी इट इज द फाइव पॉइंट एट नाउ फाइव पॉइंट एट फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट एट

After that, xy is the 6.7. xy is the 6.7. xy means x there will be here. xy 6.7. Take a distance equal to 6.7. 6.7 distance like this one. Mark here in this way. xy is the 6.7. Draw triangle. After that, XZ is given. It is a 6.9. XZ is the am How much it is? See here. XZ is given. It is 6.9. Now, see here. Take the distance. XZ. 6.9. 6.9. It is our x. See here, xy. xy is how much? 6.7. So you write here 6.7.

it is related with angle bisector you choose any angle we are choosing here this one y angle y draw angle bisector of it increase the distance and draw the both the arc this one and also this one draw angle bisector this we are drawn angle bisector. Now choose any other angle this angle jo hai, we are choosing this y draw this increase the distance and draw arc here from both arms इनको ये वाला पॉइंट मिलेगा दिस वन और ये इनको जोड़ने वाली जो है लाइन निकालेंगे हम दिस वन सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इट विल बी द इन सेंटर ये क्या रहेगा हमारा इन सेंटर रहेगा नाउ सी ड्रॉ परपेंडिकुलर अभी क्या निकालेंगे हम परपेंडिकुलर जैसा हमने इसके पहले भी ये सेट शेस्पियर का इस्तेमाल किया था अभी हम दूसरा तरीका देख रहे परपेंडिकुलर निकालने का दिस इज आवर सेंटर इन सेंटर एंड ड्रॉ द आर्क हियर यहां लगाएंगे और यहां लगाएंगे ये दो पॉइंट मिल गए हमको दिस वन एंड दिस वन अभी इसका परपेंडिकुलर बायसेक्टर निकालेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बायसेर कैसे निकालते टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे ये पूरा है इसका आधे से ज्यादा इट इज दिस वन यहां से भी इस प्रकार से इस वन आ गया है. ये और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे हम ये रहेंगे हमारा परपेंडिकुलर बायसेक्टर दिस इज द परपेंडिकुलर बाय टेकिंग दिस वेक्स एंड दिस डिस्टेंस इतना डिस्टेंस लेंगे हम इसमें एंड ड्रॉ अ सर्कल हियर वी आर ड्रॉइंग सर्कल हियर इन दिस वे वी आर ड्रॉन दिस सर्कल इन दिस वे दिस विल बी योर इन सर्कल ಇರೈಂಗಾ ಮಾರಾ ದ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರೈಂಗಾ ದಿಸ ಇನ್ ಸರ್ಕಲ್